ये रेपिडली स्विमिंग करके ओवम के पास जाके एम्पुलरी रीजन में इसके साथ फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है अब स्पर्म का हेप्लॉयड न्यूक्लियस जब ओवम के हेप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है तो इससे हमें डिप्लॉयड जायकोट मिल जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर हमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का सही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है दो गेमीट आ रहे हैं एक मेल पेरेंट से एक फीमेल पेरेंट से यहाँ पर मेल क्या है हमारा स्पर्मेटोजोन स्पर्म sperm है क्या है फीमेल क्या एग है ओवम है तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गमीट्स आते हैं ये हेपलॉइड होते हैं एन नंबर होता है इनमे क्रोमोजोम्स का और जब ये आपस में फ्यूज करते हैं इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इसके बाद हमें दो हेप्लॉइड गेमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट नाम का ये डिप्लॉयड सेल मिल जाता है जो कि आगे सेल डिवीजंस करता रहेगा और रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद यही एम्ब्रियो बना देगा नया पूरा इंडिविजुअल बना देगा तो यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं हमसे कह रहे हैं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स को एग फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल बनाया जाता है स्पर्म्स की एक्टिवेशन के इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे तो सही बात है जब मैच्योर स्पर्म सीमेन में रिलीज होता है तो जब वो फीमेल बॉडी को एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब वो आएगा तो वो इस एग को पेनिट्रेट करके इसे एंटर करके इसके साथ फ्यूजन करने के लिए पूरा रेडी नहीं होता तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशन होती है और इन सिक्रीशन से एक्सपोज होने के बाद ही जो स्पर्म है उसकी कैपेसिटेशन होती है यहाँ पे कैपेसिटेशन करेक्ट आंसर है हमारा ये ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है कि वो ओवम को एंटर कर पाए ओवम को पेनिट्रेट कर पाए तो मेनली कैपेसिटेशन की प्रोसेस में यही देखते हैं कि कुछ प्रोटीन्स या कुछ एंजाइम्स जो है स्पर्म के ऊपर एक्ट करते हैं जिससे उसकी जो है मोटिलिटी भी बढ़ जाती है वो और तेजी से स्विम करके जो है ओवम के पास पहुंच जाता है या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं दोनों के मिलने के और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है स्पर्म की वही जो हम कह रहे थे ओवम को पेनिट्रेट करके इसके साथ फ्यूजन करने की यह भी कैपेसिटेशन से ही बढ़ती है तो कुछ ऊपर लेयर्स होते हैं स्पर्म के उन्हें हटा दिया जाता है और इसी को कैपेसिटेशन कहते हैं तभी वो ओवम को पेनिट्रेट कर पाएगा तभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन अगर अपने देखते हैं एम्फेमिक्सिस क्या होता है एम्फेमिक्सिस तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए टर्म यूज करते हैं फिर कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ये भी फर्टिलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है लेकिन ये स्पर्म पे नहीं होती कॉर्टिकल रिएक्शन की प्रोसेस है ये होती है ओवम में एग में ताकि सिर्फ एक सिंगल स्पर्म उसे एंटर करे मल्टीपल स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसे रोकने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन होता है और एक्रोजोमल रिएक्शन तो स्पर्म से ही रिलेटेड है हमें पता है कि स्पर्म का जो हैड होता है जो एंटीरियर रीजन होता है उसमें यह एकोजोम नाम की बॉडी होती है जिसमें कई सारे एंजाइम्स